Hello everyone. So hope so all are good and safe. So today we are going to start with a new chapter. The chapter is second. That name is acid, base and salt. Before start this chapter, I will introduce that what is acid. एसिड इज द सब्सटेंस दैट इज इन टेस्ट इज बीट सोर लाइक वो कैसा होता है खट्टा लाइक एसिड वर्ड इज कम फ्रॉम द लेटिन वर्ड दैट नेम इज एसिड्स दैट वर्ड इज एसिड इसका मीनिंग कैसा होता है सोर इसका मीनिंग क्या होता है सोर सोर को क्या बोलते हैं हम हिंदी में खट्टा ठीक है सो एसिड वर्ड हमें लेटिन वर्ड के एडिस वर्ड से मिला है दैट वर्ड मीनिंग इज सोर एंड इसका मीनिंग क्या होता है खट्टा फिन एंड बेस is a that substance which is slippery soapy in touch that is known as base fine that is a soapy in touch fine ab aata hai salt is the combination of acid and base jab koi acid plus base combine hote hain to wo milke kya bana dete hain salt to us form ko hum kya bolte hain salt so acid there are two type of acid kitne type ke acid hote hain two type ke फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स सो ऑर्गेनिक एसिड आर दोज एसिड विच इज फाउंड इन नेचर ये हमें कहां से मिले हैं नेचर ये हमें कहां से मिले हैं नेचर से एंड दिस इज द मेडिड बाय ह्यूमन बींग दिस आर मेड बाय ह्यूमन जो ह्यूमन ने कहां पर बनाए हैं लैब में सो जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो नेचर में लाइक हमें किससे मिलते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक हम सबको पता है एनिमल से हमें क्या मिलता है मिल्क अब मिल्क के अंदर कौन सा एसिड होता है लैक्टिक एसिड फाइन अब आ जाता है प्लांट से लाइक हमें मिल जाता है टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड होता है ऑक्सैलिक एसिड फाइन अब इसी तरीके से हमारा लेमन होता है लेमन में कौन सा एसिड होता है सिट्रिक फाइन तो हमें वो एसिड जो हमें नेचर से मिले हैं दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक एसिड एंड दैट एसिड विच इज मेड इन लैब दैट इज नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं देर आर थ्री टाइप्स कितने टाइप के होते हैं थ्री फर्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड फाइन इसका फार्मूला क्या होता है H2SO4 सेकेंड इज हाइड्रो क्लोरिक एसिड इसका सिंबल इसका फार्मूला क्या होता है HCl थर्ड होता है हमारा नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है HNO3 क्लियर तो ये जो तीन एसिड है अब इसमें होता है जो एसिड का राजा है दैट इज द किंग ऑफ द एसिड दैट इज नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड फाइन और अब जो नेचर से हमें एसिड मिले हैं हम सबको पता है दैट इज ऑर्गेनिक एसिड तो ये एसिड कैसे होंगे वीक जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं दैट इज नोन एज वीक एसिड इनको हम क्या बोलते हैं वीक एसिड और जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड क्लियर तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो अब हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे घरों में जो बैटरी होती है इन्वर्टर्स होते हैं उसमें यूज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में भी है नाइट्रिक एसिड आप सबने देखा होगा ज्वेलर्स अगर किसी ज्वेलरी को क्लीन करते हैं उसमें यूज करते हैं क्लियर तो ये है हमारे पास एसिड के बारे में तो अभी तक आप सबको क्लियर हुआ एसिड क्या होता है एडिस वर्ड से ओरिजिनेट हुआ दैट इज अ लेटिन वर्ड दैट मीन इज सोर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं खट्टा एंड एसिड आर टू टाइप्स ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड सो ऑर्गेनिक एसिड हमेशा कितने नेचर से मिले हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो हमारे ह्यूमंस ने लैब में बनाए हैं और ऑर्गेनिक एसिड हमें नेचर में प्लांट और एनिमल से मिलते हैं तो ये बेसिकली क्या होते हैं वीक एसिड जो लैब में बनाए होते हैं दैट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड क्लियर नाउ वी हैव टू रीड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड अब हम क्या पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड कि एसिड कैसे होते हैं लाइक जो एसिड होते हैं फर्स्ट पॉइंट हम सबको पता है एसिड्स आर सोर इन टेस्ट तो इनका टेस्ट कैसा होता है खट्टा ठीक है फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड दे आर कोरेसिव ये कैसे होते हैं कोरेसिव अब कोरेसिव का मीनिंग आप सबको क्लियर नहीं होगा कोरेसिव का मीनिंग क्या होता है जो एकदम से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं अगर कोई एसिड हमारे हैंड पे गिरेगा तो क्या होगा एकदम से बर्न करेगा दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कोरेसिव एसिड वो कोरेसिव एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वीक एसिड कभी भी कोरेसिव एसिड नहीं होते क्लियर
क्लियर। तो कोरेसिव एसिड होते हैं जो हमारे हैंड लाइक दे आर टेंडेंसी टू डैमेज द सरफेस, ये किसी भी सरफेस को डैमेज कर सकते हैं लाइक वो चाहे मेटल हो चाहे हमारा हैंड हो। बट वो कौन से एसिड होते हैं जो कोरेसिव होते हैं, दैट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास थर्ड, दैट इज द सोल्यूबल। जो एसिड होते हैं दैट आर सोल्यूबल इन वॉटर। ठीक है, अगर हमने लाइक एक गिलास लिया है, अब इसके अंदर क्या है, वॉटर, हमें क्या करना है, इसके अंदर एसिड हम धीरे धीरे डालेंगे। ये जो हम डाल रहे हैं धीरे धीरे, ये क्या है हमारे पास, एसिड। ठीक है, अगर हम एसिड को वॉटर में डालेंगे तो सही ऐसे कॉन्टिन्यूसली स्टे करें, लेकिन अगर ये हमारे पास क्या है, एसिड, अगर हमने एसिड के अंदर वॉटर डाला, इट शुड बी अ हार्मफुल, वो क्या होगा, हार्मफुल। जब एसिड के अंदर हम वॉटर डालते हैं तो एकदम से क्या होगा, ये स्पार्क करेगा, जिससे हमारे हैंड माउथ कुछ भी होता है वो बर्न हो सकता है। ठीक है, तो ऑलवेज वी हैव टू एड एसिड इनटू वॉटर, ऑलवेज वी हैव टू एड एसिड इनटू वॉटर। ठीक है, और भी धीरे धीरे। फिर आता है थर्ड पॉइंट, जो एसिड होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस हीट, ये क्या प्रोड्यूस करता है, हीट। अब आ जाता है जो लिटमस की बात, अब हमारे पास एक वर्ड आता है लिटमस। ठीक है, अब लिटमस की मैं आपको एक स्टोरी से बताती हूँ। जो लिटमस है वो हमें कहाँ से मिलता है, नेचर से, कहाँ से मिलता है, नेचर से। अब लिटमस वर्ड कहाँ से बना, ये बना है लाइकेन, किससे बना है, लाइकेन। लाइकेन में दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है एल्गा, ठीक है, एक होता है यहाँ पर फंगी। तो ये दोनों एक रिलेशनशिप में रहते हैं। ये एल्गा क्या बोलता है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, फूड, और फंगी क्या कहता है, मैं तुम्हें क्या दूंगा, शेल्टर। तो दोनों किस रिलेशनशिप में रह रहे, सिम्बोटिक, मतलब एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हैं। तो ये दोनों जब रहते हैं, ये दोनों मिलके एक लिटमस बनाते हैं, जो जैसे वॉल के ऊपर कुछ ऐसा सा होता है इस तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल के लिए शो कर देती हूँ लाइकन। सी, दिस इज अ लाइकन। अब ये देख रहे हो ना, जो लाइकन है ये वॉल के ऊपर ही लगा हुआ है ना, इससे हम लाइकन बोलते हैं। ये दो चीजों की रिलेशनशिप से बना, अभी मैंने बताया किस किस की है, एल्गा एंड फंगी, इन दोनों की रिलेशनशिप से। एल्गा हमेशा ग्रीन कलर का होता है, तो इसी कारण ये फूड बनाएगा, और फंगी क्या देगा, शेल्टर। क्लियर। अब जो लिटमस है, लिटमस से लाइकेन से क्या बनता है, एक लिटमस, एक इंडिकेटर, तो इस तरीके से स्ट्रिप्स होती हैं पेपर की। ठीक है, अब ये पेपर की स्ट्रिप होती हैं दो कलर की, एक रेड कलर की बन सकती है या ब्लू कलर की, किस कलर की बन सकती है, ब्लू। अब मैं तुम्हें एक स्टोरी से बताती हूँ, एसिड से याद रखना है, अगर एसिड होगा तो आपको क्या याद रखना है, अनिल वर्ड, और अगर बेस होगा तो आपको क्या वर्ड याद रखना है, विलेन। अब मैं इसकी स्टोरी बताती हूँ, देखो ए का मीनिंग क्या होता है, एसिड। तो जो एसिड होता है, एसिड चेंज एन फॉर नीला, नीले से मतलब क्या होता है, ब्लू। तो एसिड जो होता है वो चेंज ब्लू लिटमस को किस में चेंज करेगा, ब्लू लिटमस टू रेड, किस में चेंज कर देगा, ये रेड में। और जो बेस होगा, बेस क्या करेगा, अब इसकी स्टोरी आपको बता, एल का मीनिंग लाल, तो बेस चेंज रेड टू ब्लू, ये किस में चेंज करेगा, ब्लू। तो ये होता है, तो जो एसिड होता है इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या आएगी कि लिटमस, जो एसिड चेंज किसको चेंज करेगा, ये ब्लू लिटमस को, एसिड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, किस में चेंज कर देगा, लाइक एक जैसे हमने ये गिलास लिया, इसके अंदर हमने कोई भी एसिड, आपके घरों में एसिड होता है जैसे लेमन जूस हमने डाला, उसके अंदर अगर हम ब्लू स्ट्रिप डालेंगे, ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, रेड में। क्लियर, और अगर रेड डालेंगे तो रेड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रेड तो रेड ही रहेगी। क्लियर, इतना सबको क्लियर है। सो नेक्स्ट वी हैव टू कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो।